तो जिस डिवीजन ऑफ लेबर की बात वो कहते हैं उसका क्या मतलब है जो वॉलरस्टीन डिवीजन ऑफ लेबर की बात कहते हैं इट रेफर्स टू द फोर्सेस एंड रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी एज अ होल जो प्रोडक्शन के फोर्सेस हैं उनके विषय में वो बात करते हैं और वे पूरे विश्व को

रखा जा सकता है जैसा हम लोगों ने अभी देखा कि कोर और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है दीज आर जियोग्राफिकली एंड कल्चरली डिफरेंट ये आपस में भौगोलिक रूप से सांस्कृतिक रूप से अलग होते हैं उदाहरण के तौर पे आपने भारत और ब्रिटेन का आप देख सकते हैं अच्छा विगत कुछ समय में आपने देखा कि चीन के द्वारा भी कोर स्टेट की श्रेणी में शामिल होने के लिए पेरिफरल स्टेट्स को इनकलकेट किया गया उसने अपनी बी की पॉलिसी के माध्यम से कई ऐसे राज्य हैं जिनको अपने प्रभुत्व में किया उसने मार्केट्स को कैप्चर करने की कोशिश की आपने देखा कि भारत में भी पिछले लगभग 20 वर्षों से चीन में बना हुआ सामान सस्ते दामों पर बिकता है और हम क्या करते हैं हम उनको खरीदते हैं क्यों क्योंकि वो सस्ता है चाहे वो दिवाली में सजाने के लिए लाइट हो चाहे वो लक्ष्मी गणेश की मूर्ति ही क्यों ना हो जो चीन से बनकर आते हैं और उनकी आंखें जो है वो चाइनीज uh, आइज आपको देख कर समझ में आ जाता है कि दे आर नॉट मेड इन इंडिया तो जो कोर स्टेट है और पेरिफरल स्टेट्स हैं उनमें एक संबंध बना रहता है ऑलदो दे आर जियोग्राफिकली एंड कल्चरली मच अपार्ट और कोर स्टेट्स पेरिफरल स्टेट्स में अपनी डोमिनेंस को स्थापित करने की कोशिश में लगे रहते हैं और ये भी आप समझ लें कि जो पेरिफरल स्टेट्स हैं दे आर ऑफ कोर्स लेबर इंटेंसिव क्योंकि हम लोग तो मार्क्स वाला सिद्धांत आप देख रहे हैं ना तो जो पेरिफरल स्टेट्स हैं वो वहां पर श्रम शक्ति अधिक है और दूसरी ओर कौन से राज्य हैं जो कोर स्टेट्स हैं वहां पर क्या है वहां पर दे आर कैपिटल इंटेंसिव और वहां पर प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है अब आप इस बात को समझ सकते हैं कि जैसे मार्क्स ने एक राज्य के अंदर यह बात कही थी कि एक तरफ कैपिटलिस्ट है एक तरफ लेबर क्लास है उसी तरीके से वॉलर ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर राज्यों के बीच में ये कल्पना की कि कुछ राज्य ऐसे हैं जिनके पास कैपिटल है विच आर कैपिटल इंटेंसिव और दूसरी ओर ऐसे हैं जो विच आर लेबर इंटेंसिव ग्लोबलाइजेशन के दौरान भी आपने देखा कि क्यों ब्रिक्स का निर्माण किया गया क्यों भारत इत्यादि देशों को ऐसा लगा कि डब्ल्यू के अंदर उनकी बात को नहीं सुना जा रहा है बिकॉज ग्लोबलाइजेशन के कारण जो समूह बना वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण हुआ उसमें भी जो कैपिटल इंटेंसिव कंट्रीज हैं दे बिकेम मोर पावरफुल दे प्लेड मोर इंटेंस रोल इन डिसीजन मेकिंग जबकि जो डेवलपिंग कंट्रीज थी या थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज थी वो पेरीफरी पर रह गई और इसीलिए ब्रिक्स का निर्माण किया गया ब्रिक्स का मतलब क्या है ब्राजील रशिया इंडिया चाइना साउथ अफ्रीका कि ये अपनी बात को मिलकर कह सके और भूमंडलीकरण का लाभ उनको भी प्राप्त हो सके हम सिर्फ मार्केट ही ना बने रहे बल्कि हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग भी हो हमारे यहाँ कंपनीज भी लगे क्यों क्योंकि हमारे यहाँ लेबर चीप है क्योंकि हमारे यहाँ रिसोर्सेस अवेलेबल है दैट इज वाई तो पेरिफेरल और कोर के बीच पे इस प्रकार का जो रिश्ता है दैट इज स्ट्रक्चरल जो सेमी पेरिफेरल स्टेट्स हैं वो कैसे होते हैं दे एप लाइक बफर जोन वो दोनों कोर और पेरिफेरल स्टेट्स के बीच में बफर की तरह से काम करते हैं, थोड़ा उनके बीच में टेंशन को कम रखने का काम करते हैं और इसके अंदर मिक्स्ड एक्टिविटीज होती है मिक्स्ड इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनमें यानी कुछ मैन्युफैक्चरिंग भी होती है कुछ रॉ मटेरियल भी प्रोवाइड किया जाता है यूरोप के देशों को आज के समय में हम इस श्रेणी में रख सकते हैं अब आप इन सारी बात से यह भी समझ सकते हैं कि जो कोर रीजन है इट हैज बेनिफिटेड द मोस्ट फ्रॉम द कैपिटलिस्ट वर्ल्ड इकोनमी जो कैपिटलिस्ट वर्ल्ड इकोनॉमी है उसमें कि लाभ किसको हुआ कोर स्टेट्स को हुआ फॉर द पीरियड अंडर डिस्कशन विच वॉलेटी हंड्रेड ऑनवर्ड्स ही सेज दैट नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप हैड बेनिफिटेड अ लॉट ड्यूरिंग दिस पीरियड नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप का मतलब क्या हो गया इंग्लैंड फ्रांस हॉलैंड ये सारे देश इन्होंने अपने लिए कई पेरिफेरल स्टेट्स तैयार किए और उसके बाद उन्होंने अपना विकास किया तो वी कैन से दे डेवलप्ड एज दी फर्स्ट कोर रीजन ये पहला कोर रीजन था उस दौरान का जिस दौरान वॉलरस्टीन अपना अध्ययन बताते हैं कि किया जा सकता है 1600 के बाद के समय में पोलिटिकली स्टेट्स विद इन दिस पार्ट ऑफ यूरोप डेवलप्ड क्या क्या इसमें आपने देखा कि पोलिटिकली भी इनके अंदर क्या चाहते डेवलप स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सटेंसिव ब्यूरोक्रेसी एंड लार्ज मर्सिन्री आर्मी ये तीन चीजें एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट एक एक्सटेंसिव ब्यूरोक्रेसी और लार्ज मर्सिन्री आर्मी ये जो किसी भी राज्य के विकास के लिए आवश्यक है ये नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप विच वॉज फर्स्ट को रीजन ऑफ द टाइम वेन स्टडी अब इसका नतीजा क्या हुआ जब इन देशों के पास एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट है अच्छी इकोनमी हो गई ब्यूरोक्रेसी है आर्मी भी है वॉट हैपन It permitted the local bourgeois to obtain control over international commerce and extract capital surplus from this trade for their own benefit. They act, started acting like the bourgeois, bourgeois in Marxist theory. Or they started reaping benefits from uh, their this uh, advantage that they were stronger. नी अदर रीजन ऑफ द वर्ल्ड तो दस दे वॉट हैपन देम एक्सप्लॉयटर वर्जुआ जिन्होंने अपने बेनिफिट के लिए काम करना शुरू कर दिया आपने देखा ही कि भारत उसका एक जीता जागता नमूना है कि कैसे यहां से अंग्रेजों ने अः जितना भी सामान ले जा सकते थे वो वो ले गए रॉ मटेरियल के साथ और भी बहुत सारे जो वैल्यूबल और उसका नतीजा क्या था उन्होंने भारत जैसे देशों को कॉलोनीज को पेरिफरल स्टेट्स को सीढ़ी की तरह से इस्तेमाल किया और वो आज जहाँ पे खड़े हैं उसकी वजह हम ही हमारे जैसे ही देश हैं जिन पर चढ़कर वो वहां तक पहुंच सके मैम ये इतना ज्यादा यहाँ से लेकर के जाते थे कि उन्हीं के एक राइटर जॉन सुनिवान ने कहा कि ब्रिटिश ऐसा कर रहे हैं कि गंगा से मतलब ब्रिटिश सिस्टम सिस्टम स्पॉन्ज की तरह है गंगा से सारी चीजों को निचोड़ के और जाके टेम्स के किनारे छोड़ आते हैं राइट right. so उन्हीं एबल टू अंडरस्टैंड ट्राइंग टू कन्वे टू यू जो कोर रीजन था उसने स्पॉन्ज की तरह से काम किया यू गेव मी वर्ड दैट दे एक्टेड लाइक स्पॉन्ज एंड इन्होंने जो भी रॉ मटेरियल थे या नेचुरल रिसोर्सेस थी इन पेरीफरी कंट्रीज में उनको सोख करके और उसको निचोड़ते कहा थे अपने देश में उसका लाभ हमें नहीं मिलता था जो सरप्लस वैल्यू थी जो प्रॉफिट था ये पेरीफरल स्टेट्स को कभी नहीं मिला जैसा कि मार्क्स के व्यवस्था में मजदूरों के साथ होता है मजदूरों को अपनी बनाई हुई वस्तु से जो प्रॉफिट है उसका हिस्सेदार वो नहीं होता है उसी तरीके से पेरिफेरल स्टेट्स के साथ भी हो रहा था और उसी का नतीजा था कि आपने देखा कि इन देशों में डीकोलोनाइजेशन के लिए या कह सकते आजादी के लिए स्ट्रगल चला हमारे यहाँ जो भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद और नेताजी जैसे लोगों ने क्रांतिकारी आंदोलन को चलाया दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्लास स्ट्रगल एंड वॉर क्रांति रेवोल्यूशन उसी का एक ये उदाहरण कहा जा सकता है यानी वट एवर है जो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है उसको अगर आप वॉलेस्टीन के नजरिए से दोबारा हम देख रहे हैं तो एज द रूरल पॉपुलेशन ऑफ लैंडलेस वेज अर्नर्स प्रोवाइडेड लेबर फॉर फार्म्स एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज चूंकि हमको वॉलेस्टीन की थ्योरी को देखना है तो उनकी थ्योरी में उन्होंने ये कहा कि जैसे जैसे रूरल पॉपुलेशन जो है वो बढ़ती जाती है वैसे वैसे जो लैंडलेस वेज जिनकी जमीन छीन चुकी है जिनके पास अब जमीन नहीं है हमारे यहाँ भी ऐसा हुआ था बहुत सारे किसान थे जिनकी जमीन उनसे छीन गई जमींदारी प्रथा के कारण ऐसी बहुत सारी आपने इंसिडेंट्स पढ़े हैं जहां पर कर्ज में डूब के किसान को अपनी जमीन खोनी पड़ गई जमींदारी जो व्यवस्था थी जो फ्यूडलिज्म था काश्तकारी की व्यवस्था थी उन सबकी वजह से और धीरे धीरे क्या हुआ ये जो लैंडलेस लेबर था वो कहाँ चला गया वो माइग्रेट कहा हुआ वो मैन्युफैक्चरिंग के काम में लग गया और वहां पर वो लेबर के रूप में जो किसान था अब वो क्या हो गया वो मजदूर के रूप में काम करने लगा या तो दूसरे की जमीन पर या किसी फैक्ट्री के अंदर वो मजदूर बन गया यानी अभी कुछ समय तक पहले वो मालिक था अपनी जमीन का एंड ही बिकेम लैंडलेस लेबर और उसको माइग्रेट करना पड़ गया आ, फार्म फॉर्म से किस अपनी आ, जमीन से उसे मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज में लग जाना पड़ा तो ये समस्या जो थी उसने इन पेरिफेरल स्टेट्स को ग्रस्त किया और उसके साथ ही साथ ये भी वॉलेस्टीन कहते हैं कि एक नए क्लास का भी जन्म हुआ जो जिन जो थोड़े अः जो फ्यूडलिज्म का ही एक नया रूप था जो नए प्रकार के जमींदार जमींदार थे उनका भी जन्म हुआ। तो लैंडलेस जो जमीन उनके पास थी वो उनसे छिनती चली गई अभी भी आप देख रहे हैं कि हमारे देश में ऐसे बहुत सारे आंदोलन समय समय पर चलाए गए हैं जहाँ किसान ये कहते हैं कि उनकी जमीन को डेवलपमेंट के नाम पर उनसे ले लिया जा रहा है वो एक मजदूर के रूप में उनको छोड़ दिया जाता है तो विकास और लैंड एक्विजिशन ये एक बहुत बड़ी डिबेट है कि अगर विकास करना है फैक्ट्री लगानी है बांध बनाने हैं जमीन चाहिए और दूसरी तरफ फार्मर्स हैं तो दिस इज ग्रेट डिबेट हमको लगता है कि हमें बिजली मिलनी चाहिए इसलिए बांध बन जाए लेकिन उस किसान का क्या जिसकी जमीन उस बांध से डूब जा रही है तो प्रश्न है जिसमें आप लोग को सोचना चाहिए क्योंकि भविष्य में यदि आप एडमिनिस्ट्रेशन में जाना चाहें आप कुछ पब्लिक फील्ड में जाना चाहें देन आपके अपने कुछ विचार इस संबंध में होने आवश्यक हैं तो आगे अगर हम लोग बात करें पेरिफेरल जोन की बात करें तो पेरिफेरल जोन में कोर के बिल्कुल विपरीत दे लैग्ड स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट्स पर कोई मजबूत केंद्रीय सरकार नहीं थी या फिर वो दूसरे राज्यों से नियंत्रित थे जैसे भारत को कह सकते हैं कि ब्रिटेन से नियंत्रित था वो हमारी अपनी सरकार ही नहीं थी हमारे पास दे एक्सपोर्टेड रॉ मटेरियल टू द कोर हमारे यहाँ से रॉ मटेरियल जाया करता था तो पेरिफेरल स्टेट की ये करैक्टरिस्टिक है एंड दे रिलाइड ऑन कोर्सिव लेबर प्रैक्टिस और uh, मजबूरी में उन्हें मजदूरी का भी काम करना पड़ता था कोर्सिव लेबर प्रैक्टिस यानी जितना दाम मिलना चाहिए उन्हें अपने काम का वो भी नहीं मिलता था जबरन उनसे मजदूरी कराई जाती तो जो पेरिफेरल स्टेट्स हैं उनमें ये बड़ा आम बात है दीज आर दी दैरक्टरिस्टिक्स ऑफ दिफरल स्टेट और जो कोर स्टेट्स हैं वो क्या करते हैं वो कैपिटल जो सरप्लस है जो कौन जेनरेट करता है पेरीफरल स्टेट्स जेनरेट करते हैं अः वो सरप्लस का लाभ उसका जो अः फायदा है उसको जो एंजॉय करने का समय है वो किसके पास है वो कोर स्टेट्स के पास चला जाता है एंड दिस हैप्रू अनईक्वल ट्रेड रिलेश अनक्वल ट्रेड रिलेशन जैसे आपने भारत में भी देखा था कि यहाँ से रॉ मटेरियल तो जाता ही जाता था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ब्रिटेन uh, को क्षतिपूर्ति की वजह से जर्मनी से जो सामान मिला वो उसने क्या किया वो अपने देश में उसने नहीं बेचा क्योंकि तो वो मुफ्त का सामान था और वो कम दाम पर बिकता उसने अपनी इंडस्ट्रीज को खराब नहीं किया उसने ये सामान जो जर्मनी से उसे खर के रूप में रिपारेशन के रूप में मिला था उसको उसने क्या किया उसने अपनी कॉलोनीज में उन्हें भेजा और सस्ते दस जर्मन सामान दो विश्व युद्धों के बीच बहुत भारत में बिका जर्मन स्टील बड़ा फेमस रहा आज तक उसका नाम हम लोग सुनते हैं जर्मनी के बने पेन इस तरीके की चीजें जो पहले विश्व युद्ध के बाद जर्मनी ने हर जाने के रूप में दिए ब्रिटेन को या एलाइड कंट्रीज को तो उन सामानों को कम दाम पर कॉलोनीज में बेचा और उन कॉलोनीज का जो अपनी इंडस्ट्रीज थी उन्हें नष्ट कर दिया क्यों क्योंकि हम तो मार्केट जाएंगे हमको अगर कोई पेन दो रुपए का मिल रहा है तो हम वो खरीदेंगे चाहे वो चीन का बनाओ चाहे जर्मनी का बनाओ तीन रुपए का पेन भारत का बना हुआ है तो हम भारत का पेन क्यों लेंगे वो तो महंगा है तो दिस तो कर देते हैं स्टेट्स को मैम मैम यहाँ पे हम लोग मार्क्स को देख रहे हैं तो मार्क्स के पास तो सिर्फ दो ही क्लास थे लेकिन यहाँ पर तो हमारे पास चार स्टेट्स हैं तो मैम जैसे कि आपने बताया कि आ, इसमें मार्क्स जो जो होते थे कि मतलब दो ही क्लास था हैवस और नॉट तो इसमें आपने बताया कि पेरिफेरल स्टेट जो होते थे उससे जो रॉ मटेरियल होता था वो कोर स्टेट ले लेते थे लेकिन इसके बाद जो दो और स्टेट बचते थे मैम उससे क्या वो एक दूसरे से लेते जाते थे अभी तो हम उसके बारे में आगे बात करेंगे ना फोकस ऑन कोर एंड पेरिफेरल स्टेट्स फिर उसके बाद हम लोग उसके आगे की बात करेंगे Yes, and when we say that uh, takes inspiration from Marx, तो उसका मतलब है कि वो उसके विचारों से भी प्रेरणा लेते हैं वो Weber से भी प्रेरणा लेते हैं और वो बोर्डो से भी प्रेरणा लेते हैं Longer ड्यूरी का जो concept है वो वहां से लाते हैं तो सबसे उन्होंने कुछ ना कुछ लिया एंड देन ही गेव हिज अप्रोच तो इसलिए पहले हम लोग कोर और पेरिफेरल की बात करेंगे बट वॉलस्टीन डिस्क्राइब्स फोर टाइप्स ऑफ स्टेट्स कोर पेरिफेरल सेमी पेरिफेरल एंड एक्सटर्नल तो अभी जो हम लोग बात हैं उसमें जो साम्यता स्थापित हो रही है वो किसके बीच में हो रही है वो मार्क्स के जो दो क्लासेस है उनके बीच में हो रही है तो पहले उसको हम लोग स्थापित करें फिर पेरिफेरल की बात करेंगे विच मे बी एन एक्सटेंशन ऑफ मार्क्सिस्ट आइडिया विच वॉज गिवेन बाय वॉलेटीन तो जो हम लोग बात कर रहे थे कि एक अनईक्वल जो ट्रेड रिलेशनशिप बन जाती है और उसी का उदाहरण मैं देने जा रही थी कि वेस्टर्न यूरोप ने क्या किया न यूरोप को स्पेशली पोलैंड आपको याद होगा कि पोलैंड वॉज द रीजन बिहाइंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर जर्मनी और यूएसएसआर ने क्या सोचा कि वो पोलैंड को आपस में बांट लेंगे और इसलिए उन्होंने पोलैंड पर हमला किया मिलकर दो ऐसे स्टेट जिनसे उम्मीद भी नहीं की जा रही थी कि वो दोनों एक दूसरे के मित्र बनेंगे तो जो ईस्ट यूरोप की कंट्रीज थी जो आपने देखा कि जो बाद में यूएसएसआर के साथ खड़ी हो गई कम्युनिस्ट ब्लॉक में शामिल हो गई दे वर लेस्ट डेवलप्ड देन दी नॉर्थ वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज जिसमें हमने ब्रिटेन फ्रांस हॉलैंड वगैरह को देखा था तो जो ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज थी स्पेशली पोलैंड और दूसरी ओर लेटिन अमेरिका लेटिन अमेरिका जिसको अमेरिका अपनी पेरीफरी मानता है आ, ये जो कंट्रीज थी रीजन्स थे कहेंगे कंट्रीज नहीं रीजन्स थे ये नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप के लिए और अमेरिका के लिए पेरिफरल रीजन के रूप में काम करते थे पोलैंड में आ, बताया जाता है कि इन पोलैंड किंग्स लॉस्ट पावर टू द नोबिलिटी क्यों एज द रीजन बिकेम द मेन एक्सपोर्टर ऑफ वीट टू देस्ट ऑफ यूरोप यहां से गेहूं दूसरे देशों को जा रहा था इंटरनल कॉमर्स नहीं हो रहा था बल्कि दूसरे देशों को भेजा जा रहा था और जिसकी वजह से पोलैंड जो था वो नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप के लिए पेरिफेरिक स्टेट के रूप में काम कर रहा था और यही बात लेटिन अमेरिका में थी जहां पर स्पेन और पुर्तगाल ने अपने कार्यों से यहाँ पर इन्होंने जो भी इंडिजिनियस अथॉरिटी थी यहाँ के जो अपनी अथॉरिटीज थी उनको नष्ट कर दिया ये अलग बात है कि स्पेन और पुर्तगाल उसके बदले में दे ऑल्सो वर पेरीफरी टू अदर स्टेट्स ये दिखाता है कि कोर और पेरीफरी जो रीजन्स हैं उनमें जो संबंध है उसमें बदलाव भी आता रहता है सम कंट्रीज मे बी कोर फॉर अदर कंट्रीज बट मे बी पेरीफरल फॉर सम अदर कंट्रीज इस तरीके के भी एग्जाम्पल मौजूद हैं अगर आप ब्रिटेन का उदाहरण देखें तो ब्रिटेन आज का ब्रिटेन की बात अगर करें तो ब्रिटेन इज नॉट अ कोर कंट्री नाउ उसमें कौन से वो देश आ जाते हैं कभी कोर थे या जो कोर बनना चाहते हैं चाइना कुछ समय पहले तक उसको हम सेमी पेरेफरल में रख सकते थे आपने देखा ही कि कैसे उसने अपने व्यापार को बढ़ाया उसने अपनी पॉलिसीज के माध्यम से आ, उसने पाकिस्तान को या नेपाल को या श्रीलंका को या और जो साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज हैं उनको अपने प्रभुत्व में लाने की कोशिश की कहीं पर उसने फोर्स का इस्तेमाल किया कहीं पे उसने एक्सपेंशन की पॉलिसी कहीं पे उसने इकोनॉमिक एड की सहायता का, का प्रयोग किया एंड ही ट्राइड टू मेक ऑल दीज कंट्रीज इट्स पेरिफर तो चाइना वॉज एन कोर एस्पिरंट कंट्री विच वॉज टिलू इयर्स अगो वॉज इन सेमी पेरिफरल स्टेट वेअर एज अगर आप दूसरी ओर देखें तो ब्रिटेन वॉज वंस अर रीजन पार्ट ऑफ कोर रीजन बट नाउ इट इज नो मोर देर रशिया को भी देख ले यूएसएसआर वाज़ द कोर लेकिन 1990 में जब यूएसएसआर का अंत हो गया तो रशिया बिकेम अ सेमी पेरिफरल कंट्री तो तीसरे प्रकार के नेशंस तो तीसरे प्रकार के नेशन स्टेट्स वो है जो पूरी तरीके से कॉलोनी के तौर पे भी नहीं है और पूरी तरीके से वे बहुत स्ट्रांग भी नहीं है दे लैक समथिंग जिसकी वजह से वो कोर में भी नहीं है उनके अपने कोई पेरिफेरल स्टेट्स शायद नहीं होंगे ये देखा जा सकता है। पेरिफेरल स्टेट्स में यूरोप के आप और स्टेट्स को भी रख सकते हैं हम इटली को रख सकते हैं हम फ्रांस को रख सकते हैं तो ऐसे स्टेट्स जो कभी कोर में थे यूरोप हैज डिक्लाइंड आफ्टर 1945 एंड सो so उसके पहले वो कोर रीजन अवश्य था लेकिन उसके बाद नहीं रह गया विच वी हैड अर्लियर ऑल्सो स्टडी दैट द राइज एंड फॉल ऑफ बिग पावर्स कैन इंफ्लुएंस इंटरनेशनल पोलिटिकल स्ट्रक्चर और इन वी कैन से वर्ल्ड पोलिटिकल सिस्टम तो इतनी बात आ रही है समझ में तो सेमी स्टेट्स है, दे फेल्ड टू डोमिनेट

वॉलस्टीन के अनुसार सेमी पेरीफरी जो ही साथ वो क्या करते हैं? वो कहीं ना कहीं किसी कुछ और स्टेट्स को खुद भी एक्सप्लॉयट करते हैं एक उदाहरण वॉलस्टीन देते हैं कि स्पेन और पुर्तगाल की अभी हम लोगों ने बात की जो जिन जो अमेरिका के साथ जुड़े हुए थे और देव फॉर्म्ड पेरीफेरी फॉर अमेरिका लेकिन स्पेन का अगर हम उदाहरण दे, तो स्पेन जो था इंपोर्टेड सिल्वर एंड गोल्ड फ्रॉम इट्स अमेरिकन कॉलोनीज और ये गोल्ड और सिल्वर वो कैसे प्राप्त करता था अपनी जो अमेरिकन कॉलोनीज थी लेटिन अमेरिका देशों में जो उसकी कॉलोनीज थी वहां पर वो कर्सिव लेबर पॉलिसी प्रैक्टिस को अपना सिल्वर uh, और गोल्ड वहां से हासिल करता था लेकिन इनमें से ज्यादातर जो गोल्ड और सिल्वर था वो उसको क्या करना पड़ता था उसे दूसरे देशों को देना पड़ता था जैसे इंग्लैंड और फ्रांस को किस लिए जिससे कि उसे उनसे मैन्युफैक्चर्ड गुड्स प्राप्त हो सके यानी कहीं से तो वो निकालता था और दूसरी जगह पे उसे दे देना पड़ता था क्योंकि उससे उन्हें क्या उसे क्या चाहिए था मैन्युफैक्चर्ड गुड्स उसको चाहिए थे और इसलिए उसे कोर्सिव लेबर प्रैक्टिस के द्वारा हासिल किया गया गोल्ड और सिल्वर जो अपनी अमेरिकन कॉलोनी से वो प्राप्त करता था उसे वो दूसरी कोर कंट्रीज इंग्लैंड और फ्रांस को दे देना पड़ता था तो दिस इज वन एग्जाम्पल ऑफ सेमी पेरिफरल कंट्रीज विच आर इन सम वे दे आर पेरिफेरल वायल इन सम वे दे मे बी कोर टू अदर पेरिफरल कंट्रीज अपने से छोटे देशों पर वो नियंत्रण कर रही हैं और अपने से बड़े देशों से नियंत्रित हो रहे हैं ये उदाहरण भी है जो हमें दिखाता है कि सेमी पेरिफेरल कंट्रीज एक इम्पॉर्टेंट ग्रुप ऑफ स्टेट्स है इन वर्ल्ड सिस्टम इन वर्ल्ड सोशल सिस्टम पोलिटिकल सिस्टम अब जो सिद्धांत इनके द्वारा दिया गया वॉलरस्टीन के द्वारा Uh, उसमें एक चीज और हम देखते हैं कि इसका जो प्रेरणा थी वो काफी कुछ डिपेंडेंसी थ्योरी से भी उनको प्राप्त हुई तो वर्ड सिस्टम थ्योरी वाज़ ऑन वन हैंड इंस्पायर्ड बाय मार्क्स एंड मैक्स वेबर एंड ऑन अदर इट गॉट इंस्पिरेशन फ्रॉम डिपेंडेंसी थ्योरी आल्सो व्हाट इज डिपेंडेंसी इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे भी डिपेंडेंसी थ्योरी जैसा कि नाम से स्पष्ट है विच वॉज ऑल्सो एन इंस्पिरेशन फ्रॉम मार्क्सिज्म एंड इट ऑल्सो रिप्रेजेंट अनुअल एक्सचेंज अनुअल एक्सचेंज इन विच रिच नेशंस ऑफ दर्ल्ड एनफोर्स ट्रेड रिलेशनशिप विद द पुअर और उसमें भी क्या होता था कि जो रिच कंट्रीज थी दे एक्सट्रैक्टेड सरप्लसेस फ्रॉम दुअर कंट्रीज and thus they made poor countries dependent on them. So we will be reading dependency theory in detail in detail our later class. मैं, पर, हाँ? मैं बोल रही थी कि इंडिया को मैं मतलब ये चारों जो स्टेट में बांटा गया है तो उसमें इंडिया प्रेजेंट टाइम में किस में मतलब रहेगा इंडिया को मतलब किस स्टेट में देखते हैं आप बताए कोई आप बता सकते हैं कि हैव वी बिकम कोर मैम ये कोर तो हो नहीं सकता बिकॉज इतना स्ट्रॉन्ग भी नहीं है शायद सेमी सेमी पैराफोर स्टेट में आ सकता है इंडिया हमारे मतलब अकॉर्डिंग मैम एक्सटर्नल नेशन स्टेट में आएगी ये दैट दैट वी आर नाइदर कोर नॉर पेरिफेरी एंड सो वी आर इन सेमी पेरिफेरल कैटेगरी ऑफ वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी तो दिस वी